आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा। मानव सभ्यता के सृजन की धारा राखी गढ़ी को विश्व पटल पर लाने के लिए सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। यह बात केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने रविवार को गाँव राखी गढ़ी सभ्यता की विभिन्न साइटों का दौरा करने के उपरांत निर्माणधीन संग्रहालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में पर्यटन क्षेत्र को 2500 करोड़ तथा सांस्कृतिक मंत्रालय को 3150 करोड़ रुपए आवंटित करने के प्रस्ताव के बाद देश की धरोहर को तेजी से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान 8 नए संग्रहालयों का प्रस्ताव तथा 5 प्रमुख पुरातत्व स्थलों के बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। इसमें राखी गढ़ी भी शामिल है। अवसर पर हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक, हिंसार के सांसद विजेंद्र सिंह, सीकर के सांसद स्वामी मुवेधान सरस्वती व उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी भी मौजूद थे। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने परंपरागत रूप से तिलक लगाकर फूल मालाएं व पगड़ी पहनाकर केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया। राखी गढ़ी के टीलों के निरीक्षण के दौरान पुरातत्व विशेषज्ञों ने खुदाई में निकले मिट्टी के बर्तनों व अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों तथा तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने 3D प्रेजेंटेशन के माध्यम से राखी गढ़ी में किए जा रहे विकास कार्यों का विवरण सबके सामने रखा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि राखी गढ़ी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर कर सामने आएगा और भारत के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र, महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। दुनिया भर के शोधकर्ता, पुरातत्वविदों के साथ साथ इतिहास से जुड़े विभिन्न जानकारों की नज़र राखी गढ़ी पर बनी हुई है। गुजरात के धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी ने दूसरी बार दुनिया के इतिहास को बदला है, इसलिए यह क्षेत्र पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और कहा कि राखी गढ़ी को विकसित करने की दिशा में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनमें स्थानीय लोगों की राय शुमारी को भी शामिल किया जाएगा। हर प्रकार के अवरोधों को दूर कर इस महत्वपूर्ण योजना को सिरे चढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राखी गढ़ी सभ्यता के मुख्य क्षेत्रों में बसे लोगों के पुनर्वास के लिए पहले ही जरूरी कदम उठा लिए हैं। स्थानीय लोगों ने इस साइट को विकसित करने का श्रेय वर्तमान भाजपा सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने वीरान पड़े इस टीले को 27 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन का सीधा संबंध क्षेत्र के विकास और रोजगार से है, इसलिए राखी गढ़ी और नारनौंद में भी विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उनका विभाग युवाओं को गाइड की निःशुल्क ट्रेनिंग देगा और पर्यटन सहयोगी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरी भाषाएँ सीखने वालों के लिए भी मंत्रालय द्वारा व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश की सभी ऐतिहासिक स्थलों व आइकॉनिक साइटों को इस स्तर पर विकसित किया जाए कि वहां की पर्यटन संभावनाएं क्षेत्र की तस्वीर व तकदीर को बदल रख दें, इसलिए राखी गढ़ी को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिकारियों ने अवगत करवाया कि राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। यहाँ मोहनजोदड़ो की तर्ज पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण का गेट बनाया जाएगा। यहाँ बनाए जा रहे भवन में आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। यहाँ ई लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। इस भवन को 4-स्टार रेटिंग दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे। पूरे भवन को वाईफाई से लैस किया जाएगा। यहाँ ओपन एयर थिएटर बनाया जाएगा जिसमें यहाँ आने वाले को राखी गढ़ी का इतिहास समझाया जाएगा। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि राखी गढ़ी को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए अगले माह दिल्ली में पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ बैठक तय हुई है। इस बैठक में राखी गढ़ी पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने व यहाँ का सौंदर्यीकरण करने सहित अन्य विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।